लिखें, रिकवरेबल टैक्स। तो बैड डेट्स की नेचर क्या होगी? एक्सपेंस होते हैं और इसकी डबल एंट्री क्या बनती है? क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसकी एंट्री हो जाएगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तब रिसीवेबल क्रेडिट क्यों होने? बैड डेट तो हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट कर दिया। रिसीवेबल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि रिसीवेबल कम हो जाते हैं ना, कि जिस वक्त हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होते हैं ना, और अब बैड डेट के टाइम पर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाए। सेल्स के टाइम पर रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं डेबिट, और बैड डेट के टाइम पर रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे क्रेडिट कर। तो क्रेडिट करके हम अपना कस्टमर अकाउंट क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। सेल्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, और बैड डेट्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज हो जाए। प्रॉफिट यस ये दिए टीएस की डबल एंट्री। कॉपी कर लिया। अब एक मिनट, हमने क्या हुआ, एक कस्टमर को गुड्स सेल की और कस्टमर आपका बैंक करप्ट हो गया, ने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, कस्टमर अकाउंट राइट ऑफ कर दिए। अच्छा, कुछ टाइम के बाद कस्टमर का बिजनेस फिर से सेट हो गया और वो पेमेंट देने आ गया, उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसके लिए टर्म यूज होगी रिकवरी ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, कि जो आपके बैड डेट्स हुए तो वो बाद में रिकवर हो जाए, तो क्या एंट्री बनेगी अब? ठीक, हाँ, इसकी एंट्री हो जाएगी फिर, नहीं उसके अलर्ट नहीं होगा, अब एंट्री होगी आपको कैश रिसीव हो रहे हैं, कैश हो जाएगा डेबिट और बैड डेट्स आपके सही हो जाए, कैश डेबिट और इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाए। ये रिकवरी की एंट्री हो जाएगी, रिकवरी ऑफ रिकवरेबल टैक्स। जो पहले वाली एंट्री हमने बनाई, ये एंट्री तो उस वक्त बनेगी ना जब कंफर्म हो जाएगा कि पैसे आपके नहीं मिलेंगे ना, जैसे कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, डिसअपेयर हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और होती है, जब भी आप क्रेडिट पर सेल करते हैं उसमें डाउट तो रहता ही है ना, अभी क्रेडिट पर सेल करेंगे तो डाउट तो रहेगा कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डाउट तो होता है ना, कि कभी भी कोई बैंकरप्ट हो सकता है, डिसअपेयर हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है। ठीक, आई थिंक ये क्रेडिट पर जब भी सेल होगी तो उसमें एक डाउट आपको रहेगा, एक लॉस के चांसेस रहेंगे। ठीक, अच्छा अब ये बताएं कि अब आप फ्यूचर में अगर लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लें या वेट करें?
और अगर फ्यूचर में जो गेन या इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लें या वेट करें, दोनों में एक वेट करें। हाँ तो रिकॉर्ड कर लें या वेट करें, बिल्कुल लिख लें। इनकम का वेट करना चाहिए जब वो तक होता है। तो एक हमारे एक अकाउंटिंग एक रूल है, एक प्रिंसिपल है यहाँ पर अकाउंटिंग का रूल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, वेयर एज एंटीसिपेटेड गेन्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल दे आर रियलाइज्ड। कि अगर फ्यूचर में के लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें, और गेन या इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करेंगे जब तक कि वो रियलाइज ना हो। तो ये एक रूल है हमारा। अच्छा अब इसकी यहाँ पे इस रूल की एप्लीकेशन क्या है, फर्ज कर लें इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्या होगी। ये फर्ज करेंगे हमने क्रेडिट सेल्स की, टोटल क्रेडिट सेल्स है हमारी 5 लाख की पूरे साल की, और इसमें से हमें 4,50,000 रिसीव हो गए ड्यूरिंग द ईयर। अब ईयर एंड पे आपके रिसीवेबल्स रह गए कितने, 50,000। अच्छा ये 50,000 कब मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर में। अच्छा क्या नेक्स्ट ईयर में पूरे 50,000 मिल जाएंगे आप या नहीं, मिल भी सकते हैं, मिल हाँ भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं ना, डिपेंड करता है ना यहाँ पर। यानी कि अब यहाँ पर एक डाउट आ गया ना, अब ये 50,000 रिकवर भी हो सकते हैं, हो सकता है इसमें से 45,000 रिकवर हो जाए, 5,000 ना मिले, हो सकता है 40,000 रिकवर हो, 10,000 ना मिले। ठीक, मतलब यहाँ पर एक डाउट आ गया, ये 50,000 पूरे भी मिल सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट ना मिले। अच्छा तब हम क्या करेंगे, प्रूडेंस को अप्लाई करते हुए फॉलो करेंगे। तब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हम अपने पास्ट, अच्छा आप कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे ये कोई बता सकता है, नहीं। तो हम क्या करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं कि जो भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उसमें से कितने परसेंट रिकवर हो जाते हैं और कितने परसेंट नहीं होते, राइट। तो हमने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट की, जो भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उसमें से 5% रिकवर नहीं होते, 95% रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे 50,000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना बनेगा 2,500। अच्छा अभी 2,500 क्या है, डाउटफुल हो गए, ये मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, नहीं डाउट है। तब हम क्या करेंगे प्रूडेंस को फॉलो करते हुए ईयर एंड पे अब 2,500 से हम वेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। ठीक, अच्छा ये कैलकुलेशन होगी सिर्फ ईयर एंड। अब ईयर एंड पे इसकी एंट्री क्या बनेगी, फिर हम लिखेंगे इरिकवरेबल डेट्स डेबिट 1,500। अब क्रेडिट क्या करेंगे, अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल नहीं, अब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हो। हाँ क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो हमने पहली वाली एंट्री बनाई थी ना फर्स्ट एंट्री, इसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। तो ये एंट्री कब बनती है, जब हमें कंफर्म हो जाता है कि आपके पैसे डूब गए, यानी कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, डेथ हो गई, डिसअपेयर हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, तो ये एंट्री बनती है कंफर्मेशन पे, इसलिए हम रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन इसको क्रेडिट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, सेल्स के टाइम पे एंट्री क्या बनती है, क्रेडिट सेल्स के टाइम पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल ओपन होता है, और वैलिड के टाइम पे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके हम कस्टमर अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है, लेकिन सेल के टाइम एंट्री क्या बनाई होगी हमने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ तो बैड डेट्स के टाइम भी हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके इस कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसने पेमेंट नहीं की, तो ये एंट्री बनती है कंफर्मेशन से, कि जब कंफर्म हो जाए कि ये कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा। तो जैसे बैंकरप्ट हो गया, कंफर्म हो गया, डेथ हो गई, कंफर्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, कंफर्म हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, नहीं दे रहा, जो करना है कर लो, तो कंफर्म हो गया ना। तो ये एंट्री बनेगी कंफर्मेशन पे, और उस टाइम पे हम रिसीवेबल को क्रेडिट करके कस्टमर अकाउंट कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे अभी हमें डाउट है ना,
हाँ पर तो अभी क्या डाउट है हमें, टोटल रिसीवेबल 50,000 है और इसमें हमें डाउट है कि शायद 2,500 ना मिले। ठीक है, अच्छा सपोज कर लें इस वक्त हमारे कस्टमर हैं टोटल 10 कस्टमर्स हैं जिनसे हमें 50,000 रिसीव करने। अब उन 10 में से किसकी डेथ होगी नेक्स्ट ईयर, कौन बैंकरप्ट होगा, कौन डिसअपेयर होगा, कौन डिसऑनेस्ट होगा, बता सकते हैं? नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसके अकाउंट को क्लोज करें, किसके अकाउंट को क्लोज करें 10 में से? इस वक्त हम किसी भी कस्टमर के अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते ना, कंफर्म ही नहीं है, तो अभी डाउट है ना कि शायद ना मिले। ठीक, तो इसलिए हम बैडेट को तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब है कि आपने कस्टमर अकाउंट क्लोज कर दिया, और इस वक्त कंफर्म नहीं है कौन पे करेगा कौन नहीं करेगा। तो किसका अकाउंट क्लोज करें, किसी का भी अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए पर एक नया अकाउंट बनाते हैं हम और इसे नाम देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल। नया अकाउंट बन जाता है और ये क्रेडिट, और इसका दूसरा नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये अकाउंट क्लोज क्रेडिट होता है। अच्छा, ये और ये जो एंट्री बनेंगी ये सिर्फ ईयर एंड पे बन, एस्टिमेटेड अमाउंट। ये कॉपी कर ले। अच्छा क्वेश्चन नंबर वन रीड कर लेते हैं। अब एसेट कंपनी है, टोटल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग पीरियड 45,000 के रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, इंक्लूडेड इन दिस टोटल इज एन अमाउंट ऑफ 790 ओड बाय जैबिस कॉर्प, हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, एंड 1240 ड्यू फ्रॉम पीटर हु वाज टोटली डिसअपीयर। एक कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, एक डिसअपीयर हो गया, तो ये दो हमारे बैड डेट्स हो गए, तो इन दोनों का अकाउंट हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। रिक्वायर्ड क्या, राइट ऑफ रिसीवेबल अकाउंट, इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट टू रिफ्लेक्ट द राइटिंग ऑफ दीज टू इररिकवरेबल डेट्स। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक रिसीवेबल का और एक इररिकवरेबल डेट्स का। रिसीवेबल्स कितने हैं, 45,000, ये बैलेंस आ गया इसका 45,000 का। अब इररिकवरेबल डेट्स कितने हैं हमारे, 790 और 1240, दोनों को ऐड कर लें, टोटल क्या बन रहा है 2030, 2030। तो टोटल से हम डेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे, तो एंट्री होगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये हमने इररिकवरेबल डेट्स रिकॉर्ड कर लिए। अब क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें एक ही एंट्री है, अकाउंट क्लोज करते हैं। ये टोटल आ गया 45,000, माइनस करेंगे 2030, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 42,907, कैरी डाउन और फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद अब ये इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है नया, ये समझ लें। देखिए, FA1 में जो आपने टी अकाउंट्स बनाए थे उसमें क्या था, जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो हर अकाउंट को हमने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया था ना, ऐसे ही था, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अच्छा, अब वो थी हमारी प्रैक्टिस। ठीक, तो FA1 में पढ़ रहे थे, वो प्रैक्टिस थी कि जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो उसकी क्लोजिंग बैलेंसिंग किस तरह की जाती है, कैरी डाउन किधर आता है, ब्रॉट डाउन कहाँ आता है। अब ये बताता आपको जो प्रैक्टिकली क्या होता है, जब काम करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें क्या होता है कि जब हम ईयर एंड पर, अच्छा इसमें देखिएगा, ईयर एंड, जब ईयर एंड पर अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो आपके एसेट अकाउंट, एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होंगे, बाकी एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट्स, इनकम अकाउंट्स कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होते, बल्कि उसी साल क्लोज हो जाते। एसेट लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होंगे, एक्सपेंस और इनकम अकाउंट्स कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होते, बल्कि उसी साल क्लोज हो जाते हैं। और जो भी इसका बैलेंस आएगा ना, वो बैलेंस कहाँ जाएगा, अभी बैड डेट्स की नेचर क्या है, तो ये कहाँ चार्ज होंगे, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होता है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाया था FA1 में आप लोगों ने पढ़ा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, हाँ
सिख मतलब आइडिया दिया था, सिखा देते बस ऐसे ऐसे होती है स्टेप, क्वेश्चन नहीं करवाए थे। आप दोनों ने बनाई है, बनाया बनाए भी ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या आता है, आपकी सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एक्सपेंसेस आते हैं ना सारे, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसका जो भी बैलेंस होता है ना वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे उसको, तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं कर, नहीं पे अकाउंट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है, अब इसे हमने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन क्यों नहीं किया, नहीं नहीं, ये तो कंफर्म वाले है ना, ये तो कंफर्म वाले थे ना। देखिए इसमें क्या था, बैंक करप्ट हो गया, कंफर्म डूब गए, तो डिसअपियर हो गया, तो ये भी कंफर्म वाले हैं। वो तो डाउटफुल तो अभी आगे आएंगे, ये तो कंफर्म है ना। देखिए इसको क्लोज करने की रीजन क्या थी, इसको कैरी डाउन ब्रॉट डाउन क्यों नहीं किया हमने। अगर हम इसको यहाँ कैरी डाउन करके वहां नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इस साल की एक्सपेंस, करंट ईयर की एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दी है, ऐसे ही है ना। अगर आज डेट है 31 दिसंबर, तो यहाँ डेट क्या आती, 31 कैरी डाउन लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं आप 1 जनवरी ब्रॉट डाउन, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह और भी कोई भी एक्सपेंस अकाउंट होता है, जैसे आपका रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, अगर उन्हें भी हम कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर दें, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो जब ईयर एंड पर हम, और इसी तरह जैसे आपका सेल्स का अकाउंट है, सेल्स इनकम होती है, अच्छा सेल्स अकाउंट तो आपने क्लोज किया और कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने करंट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर, ठीक। तो जब करंट ईयर एंड पे, ईयर एंड पे आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, जीरो, ये होने चाहिए ना। लेकिन अगर इसको आप कैरी डाउन करके वहां ब्रॉट डाउन करते हैं 1 जनवरी को, इसका मतलब क्या होगा, इस साल की एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो गए, तो इस ईयर के इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, जीरो। सेल्स अकाउंट बनाया आपने, इसको कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ, आपने करंट ईयर की सेल्स नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दी, तो जो करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट बनेगा उसमें सेल्स कितनी आएंगी, जीरो। तो आपका इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, जीरो, सब जीरो हो गया, तो इनकम स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब ईयर एंड पर अकाउंट्स क्लोज करते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट्स को कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करते, बल्कि जो भी बैलेंस आता है वो वहीं पे उसको क्लोज करके जो भी बैलेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर, ठीक है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, जब नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होते रहेंगे, क्योंकि देखिए अब ये क्यों हो रहे हैं, अभी एसेट ये क्यों हो रहा है, देखिए आज रिसीवेबल है तो कल भी होंगे ना, आज हमें कस्टमर से रिसीव करने तो कल भी करने हैं। अच्छा, आज आपके पास कैश है, कल भी होगा, आज आपका बैंक बैलेंस है, कल भी होगा, आज आपकी बिल्डिंग है, कल भी होगी, ठीक है। तो आज जितने भी एसेट्स हैं वो कल भी होंगे ना, तो इसलिए हम एसेट्स अकाउंट को क्या करते हैं, कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ड्रॉ डाउन करते हैं। इसी तरह आपकी लाइबिलिटी है, आज आपको अमाउंट पे करना है तो कल भी पे करना होगा, ठीक। तो इसलिए लाइबिलिटी को भी हम कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ड्रॉ डाउन कर लेते हैं। आज आपकी कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट तो कल भी होगी, तो उसे भी हम कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ड्रॉ डाउन करते हैं, ठीक। इसलिए तो एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होते रहेंगे, बाकी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट उसी साल क्लोज हो जाते, सही। अच्छा, तब हम ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिसीवेबल कितने इंक्लूड होंगे, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में रिसीवेबल क्या आएंगे, 42,790। और जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 2,030 चार्ज कर, सही है, ठीक। ये कॉपी कर लें हम, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आप देखें, थ्री पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, ये थ्री पैराग्राफ 3 इयर्स का डेटा है, तो इसे हम ईयर वाइज सॉल्व करें, ईयर वाइज, ठीक है। पहला फर्स्ट पैराग्राफ 2001, सेकंड है 2002, थर्ड में 2003, ये 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, तो इसे हम ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। तो
से पहले फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर ले। इसमें रिसीवेबल गिवन है हमें कितने, 10,000, और वो कह रहे हैं फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस जैक एस्टिमेटेड दैट 3% ऑफ दीज रिसीवेबल्स वर नेवर टू पे देयर डेट्स एंड ही देयरफॉर विश टू मेक एन अलाउंस इक्वल टू 3% ऑफ दीज रिसीवेबल। अब ये बात हो गई डाउटफुल डेट्स की, राइट। ओके, तो दो अकाउंट्स बनाते हैं। क्वेश्चन 1, 2001, हम रिसीवेबल कितने हैं, 10,000। अच्छा, इसमें से डाउटफुल कितने, 3% डाउटफुल है ना, 10,000 का 3% कैलकुलेट करें। हाँ, तो 10,000 का 3% आएगा 300, राइट। क्योंकि हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, और इसकी एंट्री क्या होगी, अब एंट्री क्या बनेगी, हाँ, रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 300। ये वो जो थर्ड वाली एंट्री, तो ये सब ईयर एंड पे बनती है, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अच्छा, अब ये एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर्स में, ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट, एंट्री हो गई इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अब अकाउंट्स क्लोज करते हैं। अच्छा, रिसीवेबल का टोटल तो वही रहेगा 10,000, 10,000, तो मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज कर, ये क्लोज हो जाएगा, और जो इसका बैलेंस आएगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ मैंने उसको शॉर्ट कर दिया IS, इनकम स्टेट। ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, और ये 300 से कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में डाउन हो जाएगा 300। अब ये बताएं, जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इररिकवरेबल डेट्स कितने चार्ज होंगे, बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 300, ठीक है। और ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे, तो वो 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया क्या, अब बता, आपको और बेहतर समझ आएगा। अब जब ईयर एंड पर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 300, ठीक। और जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हम रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे 10,000 से, टोटल रिसीवेबल्स 10,000 है, लेकिन इसमें से आप डाउटफुल कितने हैं, 300 डाउटफुल हैं, तो वो माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद कितने बचेंगे, 9,700, ये हो जाएंगे हमारे नेट रिसीवेबल्स का। तो जब हम कंप्लीट बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें करंट एसेट्स में 9,700 ये बैलेंस शीट में लेस होता है, अब ये क्या दिखा रहा है कि टोटल रिसीवेबल 10 है जिसमें से 300 डाउटफुल है, और ये हमारे आगे नेट रिसीवेबल्स के जो हमें मिल सके, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका एक क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन के दो मेन रिक्वायरमेंट यही होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे और बैलेंस शीट में नेट रिसीवेबल्स का क्या अमाउंट रिकॉर्ड, ठीक। अच्छा, बैक कर देता हूँ इसको, कॉपी कर लें जी। अच्छा, ये था हमारा पहला साल, फर्स्ट ईयर हो गया 2001। अब इसका ईयर टू, सेकंड पैराग्राफ 2002, पहले के ड्यूरिंग 2002 जैक मेड सेल्स ऑन क्रेडिट टोटलिंग 1 लाख एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम रिसीवेबल 94,000 एट 31 दिसंबर। He still considered that an allowance equal to 3% of the closing receivable was necessary. ठीक। अच्छा, देखिए, अब ये क्वेश्चन चल रहा है कंटिन्यूशन में ना, 2001, 2 और 3। जैसे पहली बात तो ये जो 2001 के क्लोजिंग बैलेंस थे वो 2002 के ओपनिंग हो जाएंगे, ठीक। तो पहले तो इसके ओपनिंग बैलेंस लिख लेते। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस था 10,000 ना, ओपनिंग कितना हो जाएगा, 10,000। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस था 300, यहाँ इसका ओपनिंग हो जाएगा 300, ठीक है। अच्छा, वो 9,700 से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, टी अकाउंट में नहीं आता, ठीक। अक्सर स्टूडेंट का आंसर क्या होता है, रिसीवेबल कितने आएंगे, 9,700, ये सिर्फ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। टी अकाउंट में बैलेंस क्या आता है, चेक कर देता हूँ कि टी अकाउंट में बैलेंस तो ये थे ना, और रिसीवेबल का बैलेंस कितना था, 10,000, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस
300, तो ये नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तब ओपनिंग बैलेंस हो गया रिसीवेबल 10,000, अलाउंस फॉर रिसीवेबल 300, ठीक। अब करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करेंगे। अब हमने करंट ईयर में क्रेडिट सेल्स कितनी की, 1 लाख की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1 लाख से, कलेक्शन कितनी हो रही है 94,000, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 94 से, डाउटफुल कितने हैं 3%। अब रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल आ गया 1,10,000 माइनस करेंगे 94,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 16,000। अब 16,000 में से डाउटफुल कितने, 3% है ना, 3% है, 16,000 का 3% कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 480, 480 आ गया डाउटफुल डेट्स आ गए। अच्छा, अब जो आप एंट्री बनाएंगे ना, इसमें एंट्री क्या होती है, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट, तो वो एंट्री 480 से अब नहीं बनी, अब 480 से नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, पिछले साल में क्या हुआ था, हमने 300 कैलकुलेट किए थे, 300 से हमने एंट्री पास की थी ना, अब जो एंट्री बनेगी वो 480 से नहीं बनेगी, ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए वो था हमारा पहला साल, ईयर वन था, ईयर वन में 300 हमने कैलकुलेट किए थे, उसी से एंट्री पास हो गई। अब ये ईयर टू है तो इसमें 480 से एंट्री नहीं बनी। अच्छा, रीजन क्या है, यहाँ पे जो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 16,000, तो ये 16,000 क्यों आ रहा है, ये बैलेंस 16,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आपको 10,000, ठीक। अच्छा, अगर ये 10,000 ना होते तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है, 6,000, और 6,000 का 3% 180 हो जाता, राइट। लेकिन अब क्या, चूंकि यहाँ ओपनिंग बैलेंस 10,000 दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंस 16,000 आ रहा है ना, और इस 10,000 पे हम लास्ट ईयर 3% बैड डेट्स चार्ज कर चुके हैं, तो इस ईयर अगर हम पूरे 16,000 पे 3% चार्ज करते हैं, वो 10,000 डबल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अब क्या, अगर आप 16,000 में से वो 10,000 माइनस कर दे, कितने बचेंगे, 6,000 का 3% 180, तब जो हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे वो 180 से रिकॉर्ड। अच्छा, तो 180 कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है जो हम यूज करेंगे, क्या अब आपने करना क्या है, जो क्लोथिंग बैलेंस जो भी आ रहा है ना, इसमें आप क्या करें, इसका 3% निकाल लें, ये कितना आ जाएगा 480। अब इसमें से 10,000 का 3%, 10,000 का 3% कितना था 300, जो कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का 3% है, तो अभी अगर हम 480 में से ये 300 माइनस कर दें तो भी आंसर क्या आएगा, 180 आ जाएगा। तो ये एक और तरीका 180 कैलकुलेट कर, तो 180 दो तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं, कि 16,000 में से आप रिसीवेबल का ओपनिंग माइनस करें 10,000, बैलेंस आएगा 6,000, उसका 3% निकाल लें, 180 आ जाएगा, या फिर ऐसा करेंगे जो भी रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है उसे परसेंटेज लगाएं और उसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करें, ठीक। तो ये कैलकुलेशन यूज ये करेंगे, ठीक, राइट। जो भी रिसीवेबल आ रहे हैं आपके क्लोजिंग, उसको परसेंटेज अप्लाई करें और उसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लेस कर दें, अब जो डिफरेंस आ गया, अब डिफरेंस के अमाउंट से मजीद बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लें, ठीक। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा, इंक्रीज क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर हमने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट था हमारा 300 और इस ईयर का एस्टिमेट 480, यानी कि डाउटफुल डेट के चांसेस इंक्रीज हो गए ना, बढ़ गए। पहले एस्टिमेट था हमारे के 300 होंगे, अब एस्टिमेट है 480, तो 180 से बैड डेट के चांसेस और बढ़ गए, तो इसलिए अब हम 180 से मजदीद बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। अच्छा, बढ़ गए क्यों, इंक्रीज क्यों हुए, क्योंकि रिसीवेबल इंक्रीज हो गए ना, तो अगर आपके रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो डाउटफुल डेट के चांस भी इंक्रीज होंगे, रिसीवेबल डिक्रीज हुए तो डाउटफुल डेट के चांस डिक्रीज हो गए, तो यहाँ पे चूंकि रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए डाउटफुल डेट के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप 180 से एंट्री बना लेंगे हम, रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल
ठीक, डिफरेंस क्या अमाउंट, अभी एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, अभी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर इररिकवरेबल डेट्स डेबिट 180 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 180। अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल आ गया 480, कैरी डाउन 480 और ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये 180 से क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेट, राइट। अब इनकम स्टेटमेंट में रिकवरेबल डेट्स कितने चार्ज होंगे, 180, ठीक है। बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे, 16,000, इसमें से डाउटफुल कितने माइनस होंगे, 480, सही, क्लियर। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये आपका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनेगा। इनकम स्टेटमेंट में आप एक्सपेंस चार्ज होंगे 180 और बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिसीवेबल्स 16,000 और इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 480 क्या जाएंगे आपके नेट रिसीव, क्लियर। ओके, बैक कर देता हूँ, कॉपी कर लें। अब 2003, अच्छा इसमें 2002 के क्लोजिंग बैलेंस, 2003 के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस होगा 16,000 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 480। अब करंट ईयर की ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। किसने कहा ड्यूरिंग 2003 जैक मेड सेल्स ऑफ 95,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। कलेक्टेड 96,000 फ्रॉम हिज रिसीवेबल्स, 96,000 की कलेक्शन हो रही है, हैरान हो गया, क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं, यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस भी है ना, ओपनिंग बैलेंस भी तो है, 16,000 का ओपनिंग है, 95 की सेल की, टोटल कितने हो गए, 1,11,000, 1,11,000 हो गए ना, तो उसमें से 96 मिल रहा है ना आपको, तो कलेक्शन हो सकती है ना। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको आगे करें, 96,000 कलेक्शन हो गई तो रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक, इसलिए। अच्छा तो अब बाकी क्या है, वो 3% है, तो अकाउंट क्लोज करते हैं, 1,11,000 माइनस करेंगे 96,000, इसका बैलेंस आ गया 15,000, ठीक है। जब देखें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था 16,000, क्लोजिंग बैलेंस रह गया 15, अब क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया, कम क्यों हुआ, क्योंकि कलेक्शन हमने ज्यादा कर दिया, तो कलेक्शन ज्यादा होने की वजह से रिसीवेबल्स आपके कम हो गए, ठीक। अच्छा अब रिसीवेबल कम हो गए तो डाउटफुल डेट के चांसेस भी कम हो जाएंगे, अब डाउटफुल डेट कितने आ रहे हैं आपके, 4, 5, ठीक। अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 480, ठीक है, 480। अब इस ईयर का एस्टिमेट है हमारा 450 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 480, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -30। तो माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज इन अलाउंस, लास्ट ईयर हमने एस्टिमेट किया था डाउटफुल डेट्स 480 और इस ईयर का एस्टिमेट है 450, तो डाउटफुल डेट्स क्या हो गए, कम हो गए, और कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रिसीवेबल कलेक्शन हमने ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कलेक्शन की वजह से रिसीवेबल कम हुआ है, जिसकी वजह से डाउटफुल डेट्स भी कम हो जाएंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब एंट्री क्या बनेगी, अब डिक्रीज है तो इसमें एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी ना, यानी कि पहले हमने डाउटफुल डेट ज्यादा रिकॉर्ड किए थे, अब वो कम हो रहे हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। हाँ, तो अब होगा अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट रिकवरेबल डेट्स, राइट। पहले हमने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर लिए थे, अब कम कर, तो एंट्री हो जाएगी रिवर्स, ठीक। अभी एंट्री पोस्ट करेंगे लेजर्स में, तो एंट्री होगी इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट, हम क्लोज करते हैं, 480, 480 माइनस करेंगे 30, बैलेंस आ गया 4, कैरेट डाउन और ये ब्रॉड डाउन हो जाएगी। इसके बाद अब ये बैड डेट अकाउंट क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा अब इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सब ये बताएं इनकम स्टेटमेंट ये जो 30 है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे, प्रॉफिट से माइनस करेंगे या ऐड करेंगे,
अब ऐड करेंगे इसको। हाँ ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तब ये जो 30 है ये ग्रॉ इनकम स्टेटमेंट में ऐड होंगे। अब ये कॉपी ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इनकम स्टेटमेंट में उसको दिखाएंगे क्या 30 क्रेडिट, क्रेडिट पहले इंक्रीज हो रहे थे, चार्ज कर रहे थे डेबिट, अब डिक्रीज है तो क्रेडिट। और इसके बाद बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स आ जाएंगे 15,000, और इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग माइनस हो जाएगा 450, और नेट रिसीवेबल्स रह जाएंगे 14,500। सही, क्लियर? बैक कर देता हूँ, कॉपी कर लें इसके बाद फिर।